जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रतिवाद प्रतिवाद, प्रतिवाद प्रतिवाद, प्रतिवाद प्रतिवाद, प्रतिवाद प्रतिवाद, आज के रसोना भएको हत्याकांड को प्रतिवाद, प्रतिवाद प्रतिवाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता सरकार हाय 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 हाय, ममता सरकार राजीनामा देऊ राजीनामा, ममता सरकार खुशी छोड़ा खुशी छोड़ा खुशी छोड़ा, जनतालाई न्याय दिने नदिने सरकार हाय 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 हाय, नारी माथि अत्याचार गर्ने सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममतालाई न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ, ममतालाई न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ, जनतालाई न्याय नदिने सरकार हाय 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 हाय, आजका हत्याकाण्डलाई खण्डको न्याय देऊ न्याय देऊ न्याय देऊ, आरजीकर हॉस्पिटल जो कोलकाता में हुआ, जो घटना हुआ उसके विरोध में हमने विरोध रैली कर किया कर्सियंग टूरिस्ट बस से कर्सियंग रेलवे स्टेशन पर, हमारे नारी मोर्चा के अध्यक्षता में हुआ हमारे प्रेसिडेंट, और आप उनके जो प्रतिनिधि हमारे कर्सियंग आईसी के थ्रू एसपी को एक मेमोरेंडम भेजेंगे, और ये मेमोरेंडम में वही दिखाया जाएगा क्योंकि आज सीएम का जो यहाँ पर जो प्रशासन है वो उसको फेलियर कर चुके हैं, उनको पूरा हम कहते हैं कि आपको रिजाइन करना होगा, सीएम को रिजाइन करना होगा, क्योंकि ये पूरा तरीके से हमने देखा है कि ये जो घटना हुआ ये सिर्फ रेप एंड मर्डर नहीं है, ये किसी को बड़े साजिश को छुपाने के लिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने इसको दबाव नीति कर रहे हैं ना, इसीलिए जिस तरीके से अभी ये हुआ घटना का वो कर रहे मतलब दबाने की कोशिश कर रहे, इसमें सबको अभी खुला साजिश हो गया और साजिश हम देख रहे, इसीलिए हम प्रतिवाद कर रहे, पूरा बंगाल में नहीं पूरा देश में प्रतिवाद हो रहा, आज बंगाल में भी होगा कलकत्ता में भी होगा, और इसके लिए हम पूरा हमारा आज का एक ही वही है कि सीएम को रिजाइन करना होगा, क्योंकि संवैधानिक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुका है, क्योंकि ये घटना सिर्फ रेप एंड मर्डर का नहीं है, रेप एंड मर्डर जिस तरीके से पीड़िता डॉक्टर को ट्रेनी डॉक्टर को जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से मारने के बाद भी उनको न्याय देने की वजह से आ गया कि सीएम ने सड़क में उनको छुपाने की कोशिश किया, इस ये घटना नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द प्रशासनिक फेलियर देख के सीएम को अपनी जिम्मा लेके उनको रिजाइन करना चाहिए। बितेर भइसक्यो, प्रशासनले किन लुकाएको केही छैन, र जब सञ्जय त्यो आरोपीलाई पक्रेपछि त उनी जेन्युइनली त्यो आरोपी हो भने उसलाई फाँसी देऊ, ताकि एउटा इक्जाम्पल सेट हुन्छ सोसाइटीमा कि अबदेखि यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाँसी डर चाहिँ मान्छेमा हुनु बहुत जरुरी छ। नभए देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले एकदमै यो अहिले रेप त एउटा तपाईँको एउटा एन्टरटेन्मेन्ट जस्तो भएको छ, यो एन्टरटेन्मेन्ट होइन, जो एकदमै दोषीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी लेडिजहरू चाहिँ फाँसीकै माग गर्छौँ, ताकि आउने नानीहरू चाहिँ सेफ होस्, स्कुल जाने केटकेटीहरूलाई रेप हुँदैछ, तपाईँको नर्स डक्टर टिचर कसलाई चाहिँ छोड्छन् रेपिस्टहरूले, त हामी यसकै विरोधमा आज यहाँ खडा भएर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाका तर्फबाट हामी एउटा महिलाहरू भएर महिलालाई चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ, उहाँको परिवारलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी एउटा पिस ऱ्याली गरेको हौँ, र अब हामी डेपुटेसन दिनौँ थाना जान्छौँ, ताकि त्यहाँबाट पनि हामीलाई केही एउटा आश्वासन पाउँछ जस्तो लाग्दैछ मलाई, त्यसलाई पायो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, र हामी मुख्यमन्त्रीलाई पनि यो मञ्चबाट यही हामी दिन्छौँ, उहाँलाई एउटा हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि उहाँले कसैलाई नबचाउँ, रेपिस्टलाई बचाउनु मतलब एउटा ठुलो अपराधीलाई बचाउनु हो, यो यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ नहोस् इन फ्युचर भनेर हामीले आज यो प्रोटेस्ट ऱ्याली गरेको, र हामी चाहन्छौँ कि उहाँ पीडिताको परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय होस्, किनभने जसले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ गवायो उहाँको दुख दर्दमा अलिकति हामी भागीदारी हुनुको लागि आज यो प्रोटेस्ट ऱ्याली गरेको हो। मेरो नाम शिवानी दियाली, म पूर्व अध्यक्ष दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चाको पूर्व अध्यक्ष हो, र आज हामी यही कारण तपाईँको यो पानी झरीमा पनि निस्किरहेको छौँ, महिलाहरूको लागि हामी आवाज उठाएको छौँ। तपाईँको नाम फेरि भन्नुहोस्। शिवानी दियाली।
वाइस प्रेसिडेंट महिला मोर्चा दार्जिलिंग जिला, आज हम लोग नारी को सुरक्षा के लिए न्याय मांगने आए हैं यहाँ पर। हमें बहुत दुख है, बहुत कष्ट है हमें, क्योंकि हमारे महामहिम नारी होने के बावजूद भी हम लोग शिक्षा में भी हमें न्याय नहीं मिलता, स्वास्थ्य में भी न्याय नहीं है, तो हम लोग न्याय मांगने के लिए कहाँ जाएं। ये विडम्बना है हमारे देश के लिए, ऐसी विडम्बना, ऐसी घटना दुखदायी है। ये दुखदायी घटना ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आने वाले दिन में जो भी अपराधी है उसे हम लोग चाहते हैं फांसी का सजा हो, चौराहे में लाके हो, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं बाहर जाके। आज का दिन में वर्ल्ड एक छोटा सा गांव बन गया है, फिर भी भारत देश इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं होना हमारे लिए भी शर्मिंदा है। हम लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं आज कि हमारे देश में ऐसे नारियों का सुरक्षा नहीं है, जो 36 घंटा ड्यूटी करने के बाद उसे इस तरह से जघन्य हत्या कर दी जाती है और फिर बलात्कार करते हैं। तो ऐसे राक्षसी मन जो है इसको हटाना पड़ेगा। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। ये चीज नहीं चले, इसी का अवेयरनेस होना चाहिए, इसी के लिए आज हम लोग आए हैं। हम लोगों ने टूरिस्ट लॉज से यहाँ स्टेशन तक हम लोग का रैली था, पीस रैली है, और हम लोग थाना में जाएंगे, हम लोग का मेमोरेंडम देंगे कि हम लोग को पीस चाहिए। आज का कार्यक्रम इतना ही है, बाद में अगर नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता अगर पीड़िता को, तो हमारे आंदोलन और भी बढ़ती जाएगी।